चार देखते हैं। तो पहले क्या लिखना होगा कि दिए गए असमिका के संगत समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर जीरो। अब देखिए ये इसका आलेख खींचना है, तो ये देखिए आपका दो चार है ना एक्स वाई, तो इसमें आप नाइन्थ क्लास में सीखे थे आलेख खींचना, याद है आपको। तो यहाँ आप डायरेक्ट चार्ट बनाएंगे ना, आप इलेवेंथ क्लास में आ गए, आपको कम से कम इसके दो हल निकालने होंगे, ठीक है। आपको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं, लेकिन आपको यहाँ कम से कम दो इसके हल निकालने होंगे। यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। अगर सोचिए आप x की जगह 1 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अच्छा x का वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ये डायरेक्ट रख दिए, समझ में आ रहा ना कैसे रखे हैं। चलिए अब आप जानते हैं ना इसी तरह से निकाल के अब इसका ग्राफ बनाया जाता है। चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये आप क्लास नाइन्थ में ही ग्राफ खींचना सीख चुके थे, आपको दोबारा हमें बताने की जरूरत नहीं है, बस हमें इसमें जो है थोड़ा सा जो असंख्या के कारण जो चेंज आ रहा है वही समझना है ना। चलिए एक्स डैश वाई वाई डैश ये सब तो आपको आ ही रहा होगा। करना क्या है कि जो असंख्या का चिन्ह होगा वहां से हटा के बराबर का चिन्ह ले लेना है ना, ग्रेटर लेस इक्वल टू जो उसके जगह पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू का सिंबल ले लेना है। और इसका ग्राफ खींचना आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्लास नाइन्थ क्लास में, तो आप इसका पहले ग्राफ खींच लीजिए। तो यहाँ 1 यहाँ 2 तक भी खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 -1 -2 -1 -2 एक्स का 1 वाई का -1 एक्स का 1 और वाई का -1 यह बिंदु होगा। अच्छा x का 2 y का -2 x का 2 और y का -2 यही ना होगा, समझ रहे ना बात को। x का वैल्यू 1 है y का -1 है, तो 1 और -1 ही होगा, x का 2 है और y का -2 है, तो यही ना आएगा। अब इसको आप मिला सकते हैं ना आसानी से, चलिए इस तरह से मिलेगा ये। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर इसका जो होगा हम लोग किस तरह से हल क्षेत्र दिखाएंगे, है ना, हल क्षेत्र कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले देखना होगा कि ये यहाँ क्या है, असंख्या का चिन्ह क्या है, तो x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू भी आ गया, तो ये पहले तो ये डार्क होगा रेखा। अब हल क्षेत्र के लिए आपको बताते हैं कि रेखा के इधर के तरफ कोई बिंदु ले सकते हैं या इसके विपरीत यहां भी कोई बिंदु ले सकते हैं, तो इधर का कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं या इसके इधर भी कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं, क्योंकि आप 0 0 देखिए 0 0 से ही ना ये रेखा होके जा रही है, तो उस बिंदु को तो लेंगे नहीं, 0 0 को लेना नहीं होगा क्योंकि वो तो रेखा पर ही है वो बिंदु, हमें रेखा के इधर का कोई बिंदु लेना है या इधर के, है ना, ऊपर या नीचे का कोई भी बिंदु आप ले सकते हैं। तो देखिए तो ऊपर का कोई बिंदु अगर कहे तो यहां देखिए ना ये जो बिंदु है ये भी तो इसे नहीं है ना, 2 और 0 हुआ, ये 2 और 0 है ना, तो रेखा के इधर है, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 2 भी ले, कोई भी इधर का बिंदु आप ले सकते हैं। तो यहां लिखेंगे 2 0 पर असमिका, 2 0 पर असमिका, तो चलिए वहां रखते हैं 2 + 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्या 2 < 0 है, 2 < 0 है या इक्वल टू 0 है, नहीं है, ये क्या हो गया, असत्य हुआ। तो असत्य है तो इस बिंदु के विपरीत ये वाला ना हल क्षेत्र हो जाएगा आपका, ठीक है, तो इसको छायांकित कर देंगे, ये आपका हल क्षेत्र हो गया। तो ये किसका आलेख हो गया, ये जो हल क्षेत्र हुआ ये किसको दिखा रहा है, तो x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 0, और ये रेखा किसको दिखा रही है, तो ये दिखा रही है x प्लस वाई बराबर 0 का, समझ गया ना। यानी देखिए ये इक्वल टू इसमें देने का मतलब, ये देखिए डार्क खींचने का मतलब क्या है कि यह रेखा से लेकर इसके इधर सारा इसका सॉल्यूशन है, इसके इधर जितना भी पार्ट आएगा इसको आगे तक बढ़ा दीजिए, इसको आगे तक बढ़ा दीजिए, इधर जितना भी क्षेत्र आएगा वो सब इसका हल क्षेत्र है, और इस रेखा को भी वहां इंक्लूड किया गया, इसलिए इसको डार्क खींचे। अगर यही डॉटेड रहता, अगर मतलब यहाँ इक्वल नहीं होता तो डॉटेड होता, यानी उस रेखा को छोड़कर इसके इधर जितना भी क्षेत्र होगा वो उसका हल क्षेत्र होता, समझ गए। अगला